नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत की कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो पहले आप टॉपिक सुन लीजिए कि हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है महाभारत में 18 अंक का क्या महत्व है। दूसरा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण की कितनी शादियां हुई थी, उनकी कितनी रानियां और कितनी पटरानियां थी। अगला है भगवान श्री कृष्ण के मित्र के बारे में, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सुदामा के अलावा भी भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे मित्र थे जो सुदामा के जैसे महत्व रखते थे। और अगला है द्रौपदी की 5 शादियां क्यों हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि महाभारत में 18 अंक का क्या महत्व है। लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन क्या आपको पता है महाभारत में आपको 18 पर्व देखने के लिए मिल जाएंगे और उन 18 पर्वों के नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। क्या आपको पता है महाभारत की पुस्तक में टोटल 18 अध्याय हैं, और इतना ही नहीं, यदि आप भगवत गीता को उठाकर देखोगे तो आपको वहां पर भी 18 अध्याय देखने के लिए मिलेंगे। यदि इस 18 नंबर को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक ज्ञान दिया था। और इतना ही नहीं, यदि हम कौरवों और पांडवों की अक्षौहिणी सेना के बारे में बात करेंगे तो वो भी 18 थी। और इस 18 नंबर को यदि हम और आगे लेकर जाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध के बाद 18 ही ऐसे लोग थे जो जीवित बचे थे। 18 में ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो महाभारत के मुख्य किरदार रहे हैं। चलिए हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में यदि हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां और कितनी पटरानियां थी। देखिए, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां थी, लेकिन क्या आपको पता है उन 16,100 रानियों से भगवान श्री कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण की 8 ऐसी पटरानियां थी जिनसे उनका विवाह हुआ था। मैं 8ों के नाम आपको बता देता हूँ। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा और कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थी। अगले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के सुदामा के अलावा और कौन कौन से मित्र थे। चलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ लोगों के नाम आपको बता देता हूँ, बाकी के नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जिनमें थे मधुमंगल, सुबाहु, सुभद्र, मणिभद्र और भोज। बाकी स्क्रीन पर दिख रहे ये सारे ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे मित्र थे, जैसे सुदामा थे। अगले टॉपिक की यदि हम बात करते हैं कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी के 5 पति होने के पीछे भगवान शिव का वरदान है। देखिए, इसके पीछे ये स्टोरी मानी जाती है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की एक ऋषि की पत्नी थी, और द्रौपदी जिनके पिछले जन्म का नाम था इंद्रसेना, उनके पति की जल्दी मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव की आराधना करने के बाद जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने गलती से 5 बार अपने पति का वरदान मांग लिया। और ऐसा कहा जाता है कि इसी की वजह से द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पति मिले। इसके आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे, और क्या कभी गांधारी ने अपने आंखों से पट्टी हटाई थी, और महाभारत की कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपको अभी तक नहीं पता होगी। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।